अस्सलाम वालेकुम डियर। बीच में क्वेश्चन आया था आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स, आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। इसका मैंने आंसर किया था, अब एक बच्चे ने ये कहा है कि सर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन और हेप्टेन, वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, शायद कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आती हो। पहले आपको फिर मैं एक बार बताता हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनकी दो किस्में हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स, अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्काइन्स। यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स, और इनमें आते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। आइसोमर्स जैसे मैंने बताया आपको, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर के डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं, उसमें याद रखना है कि फर्स्ट थ्री हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, दे आर नॉट हैविंग एनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, उनका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन और पेंटेन के मैं दिखाए। लेट्स मी स्टार्ट यू और शो यू द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। देखो बेटा, हेक्सेन में पहले आपको क्या करना है, हेक्सामीन सिक्स, दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज सिक्स कार्बन एटम्स फर्स्ट। पहले आपको छः कार्बन एटम्स डालने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट दैट वी कैन ड्रा द हेक्सेन। अब क्या करना है, क्योंकि हेक्सेन है दैट मीन्स देयर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके रहते हैं तीन, इसने दो किए शेयर, दो दो रह गए, क्योंकि हर एक कार्बन के कितने हैं, चार, इसमें रहते हैं तीन। हाइड्रोजन त्रय होते पौन है, हाइड्रोजन जो बाकी जगह पर हाइड्रोजन है, यह आपको यहाँ से हर जगह हाइड्रोजन डालने हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या आ गई, सी सिक्स एच, त्रे H14 is the molecular formula of hexane. This is one structure possible for the hexane, the long chain. It is called hexane in all the nomenclatures, whether it is common name or IUPAC name. Ab iske isomers dekhne hain. Isomer means the structures having same molecular formula. Formula to same rehna chahiye, ab structure different aane chahiye. यू कैन ट्राई, मुझे लगता है कि कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ट्राई करो। खैर, आपको अभी सीखने में टाइम लग सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वन टू थ्री फोर फाइव, अब हम पांच कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रखते हैं, वन ऑफ द कार्बन एटम को किसी एक जगह अटैच करते हैं टू द चेन। देखो आप यहाँ पर भी इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर साइड में निकालेंगे तो वो चेन नहीं बनती हैं, समझना चेन या तो बोली बोन पात्र पॉइंट में हो, अगर यथवन ब्याह कारण इवन तो चेन। जब भी आप चेन बनाओगे, इमेजन टू वॉक ऑन द चेन। अगर तुम भाषा अच्छे वन बदलाव कह तो फिर कोई चेन ही नहीं है। अगर तुम भाषा कुछ ये दुबोत ये तो बनो त्रुबोत बित को गजबोत, तो आप समझना कि नया स्ट्रक्चर है। चलो हम यहाँ पे एक कार्बन अटैच करते हैं, बाकी यहाँ पे जितने भी वैलेंसीज रहती हैं, वैलेंसीज घंस जो पान है, अब जो कितने आ गए, तरह से पाँच सात आठ नौ दस का बारह तेरह चौदह। हाँ, अब इसको नाम देना है, इस नामिंग क्लेचर में क्या है, पहले स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अगर ये पर नेरो फाइव तेल रूदी नेबर, अगर ये पर नेरो तो रूदी नेबर बने वो दुबोत, ठीक। वुशन ये कार्बन सी ब्रांच दराव सी ये ब्रांच, ये लॉन्गेस्ट चेन बसान, ये चेन मज दमो नंबर, मगर दिनो उसके पे पे दिमो सा वन टू थ्री फोर, ये क्या नंबर फोर, अगर ये पे दिमो नंबर ये वन टू, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है, समझाया आपको कि वहाँ से नंबरिंग देनी है जहाँ पे उस कार्बन को समा लास्ट नंबर आए जिसमें ब्रांच निकला हो, तो वन टू थ्री फोर फाइव। अब नाम देना है, ये कौन सा ग्रुप निकला है, इज नॉट मीथेन बट मिथाइल, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन इट बिकम्स अल्काइल, दैट इज मीथेन विल बिकम मिथाइल। अब नाम दीजिए, टू पे ब्रांच निकला है, कार्बन नंबर टू पे टू, कौन सा ब्रांच निकला है, मिथाइल,
कौन सा ब्रांच है, टू मिथाइल। पेरेंट चेन कौन रहती है, इसमें कितने कार्बन है, फाइव। पांच को क्या कहते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो एन, तो क्या नाम बन गया, टू मिथाइल पेंटेन। दिस इज वन ऑफ द आइसोमर, ये हो गया दूसरा। ठीक, अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। ये द्रा ये टू मिथाइल प्रोटीन, अब इसको यहाँ लाते हैं, वो करो ये चेन इन जाए दो बोत बनाओ एक ही में जाए। ठीक, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। हाँ देखिए अब नाम क्या बन गया, वो तो ये टू मिथाइल प्रोपेन, वो क्या बन गया पेंटेन, वो क्या बन गया वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको नंबरिंग देनी है, किस कार्बन के साथ ब्रांच हुआ है, इस कार्बन के साथ। अगर यहाँ से नंबरिंग देंगे वन टू थ्री, यहाँ से नंबर देगा वन टू थ्री, तो एक सी बात है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो बताइए नाम, वहाँ पे था टू मिथाइल पेंटेन, अब यहाँ पे क्या है, ये का छवा ड्रामस थ्री मिथाइल पेंटेन। अंडरस्टैंड, शाबाश, चलो आगे चलते हैं। वो वन का सर वो आस आन ऑन ये हिम जे वो तुलन ये कार्बनक ब्रांच खालो यस बने बे टू मिथाइल शाह शिका था आज बने बे वो उसे यस से बे का पॉसिबिलिटी आख मिथाइल कर सकते हैं। हाँ, अब कार्बन चेन में क्या करते हैं, वन टू थ्री फोर, अभी तक हम रख रहे थे फाइव, अब रखेंगे चेन में फोर। वन मिथाइल यहाँ पे, एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ से, तो कितने ब्रांचेस, ब्रांचेस कितने निकले, शाबाश, कौन दे ब्रांचेस कस वत बन आए। अगर कोई यहाँ से जाएगा अमिश अख वत ना ये पर ब्याख वत ना ये पर और बुस ना ब्याख वत ये पर, गो से स्ट्रक्चर चेंज, गो से देखिए और आपको लगेगा सच में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री, तो ये शॉर्ट है, वन टू थ्री फोर ये लॉन्ग है, वन टू थ्री शॉर्ट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो फोर सबसे ज़्यादा है। अब फोर वाली चेन कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, अब नंबर देना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, दोनों चेन से ब्रांच, यथ कार्बन से ब्रांच, यथ कार्बन से ब्रांच, वो कपर दियो ती नंबर, और तो ये वाला है यथ कार्बन से ब्रांच है तथा गसन लास्ट नंबर, ये छ दोनों कार्बन से ब्रांच। इसलिए जब ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आए, आपको नाम देना हो, आपको देखना है कि पहले किस किस कार्बन का ब्रांच, ठीक, फिर देखना है ब्रांच क्या है, क्या लंड से द्रामस, यथ क्या द्रामुत मिथाइल, यथ क्या द्रामुत मिथाइल, ब्रांच सेम, वो यथ यही ब्रांच, यथ यही ब्रांच। तो फिर जैसे जहाँ से आपको मर्जी आए, जिस कार्बन को आप लोवेस्ट नंबर दें वो आपकी मर्जी है, तो ये पर दी तो यथ लोवेस्ट नंबर, तो ये पर दी तो यथ लोवेस्ट नंबर, कोई फर्क नहीं है क्योंकि इनके ब्रांच सेम है। तो यहाँ से देते हैं वन टू थ्री फोर, अब देखो नाम क्या देने हैं, टू मिथाइल, सिंपल नाम जो हम पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। पहले देखते हैं, पहले जब चलेंगे हम टू पे निकला है ब्रांच, क्या ब्रांच निकला है, टू मिथाइल, शाबाश। और कोई ब्रांच है, यस थ्री पे, कौन सा ब्रांच, थ्री मिथाइल, टू मिथाइल थ्री मिथाइल, किस को ब्रांच निकले हैं, कथ लंच ब्रांच द्रामच, लंच मज कस कार्बन है, वन टू थ्री फोर, फोर को कहते हैं ब्यूट, एंड इट इज एन, ब्यूट एन, टू मिथाइल थ्री मिथाइल ब्यूट एन, और मैंने कहा और, अगर अभी भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ब्रांच सेम है, टू कामा थ्री, यानी ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जिन पे सेम ब्रांच निकले हैं, टू कामा थ्री, इसमें भी मिथाइल इसमें भी मिथाइल, तो कितने मिथाइल है टोटल ब्रांच में, डाई मिथाइल, टू कामा थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप दोनों से जैसे भी आप उसको नाम लिखेंगे दोनों नाम करेक्ट है, तो कितने आ गए, चार। नाउ लेट अस सी सम अदर पॉसिबिलिटी ऑफ द चेन, शाबाश, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कार्बन नंबर टू, यहाँ से कार्बन नंबर टू, शाबाश, मैं एक ही कार्बन पे दोनों चेन निकाल, दोनों कार्बन निकालता हूँ, शाबाश,
यहाँ पे क्या देखो, अगर कोई ये ट्राई करेगा ना ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये खुद ट्राई करे कि इसे राइट कैन रॉन्ग, इसे राइट कैन रॉन्ग वो मन कर कि ये पूरे द्रव ब्या चेन ये तरह काउंट कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ से नंबरिंग आएंगे 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन, पता क्या बनी 3-methylpentane, वो ऑलरेडी आया है, आया है कि नहीं 3-methylpentane, तो ये लॉन्ग है कि नहीं। अच्छा तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने ऑलरेडी बनाया है, अब ट्राई कीजिए और शबाश, और ट्राई कीजिए आप, जितने भी आप ट्राई करेंगे आप यू विल फाइंड दैट कि आपको यही ब्रांचेस मिलेंगे, 4-2-2-dimethyl, 2-3-dimethyl और हेक्सेन 2-methyl, 3-methyl, शबाश। और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ एक पॉसिबिलिटी शायद है, एक पॉसिबिलिटी है, 1-2-3-4, इस मिथाइल को भी एक ही ब्रांच में दोनों मिथाइल निकालते हैं, 1-2, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। अब काउंट कीजिए कितने कार्बन, कितने कार्बन से टोटल, 1-2-3, 1-2-3-4-5-6, अब एक ही कार्बन पे दो ब्रांच है, क्या क्या ब्रांच है, इस कार्बन पे यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप है, अभी तक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दो कार्बन एटम्स के साथ है, अब एक ही कार्बन के इस नंबर कह कार्बन से द्राम ब्रांच, कार्बन नंबर 2, अगर ये पूरी काउंट करा कर 1-2-3, ये 3-1-2-3-4, ये पूरी 1-2-3-4, 1-2-3-4, बोलाएंगे चैन है कोने से ट्रेटिंग है, 1-2-3-4, अगर यहाँ से आता है 3, यहाँ से आएगा 2, 1-2-3-4, 2 कार्बन एटम के ब्रांच हैं, क्या क्या ब्रांच हैं, 2-methyl, 2-methyl-butane, 2-methyl, 2-methyl-butane, क्योंकि दो पे हम कहेंगे फिर 2, 2, यानी दो पे दो बार ब्रांच निकले हैं, दो ब्रांच निकले हैं 2, 2, क्या क्या ब्रांच, methyl-methyl-butane या methyl-methyl को हम डायरेक्ट लिखेंगे, डाई मीन्स 2-methyl-butane, these are the all possible isomers of hexane, these are the all possible isomers of hexane, iske bagair aap jitne bhi try karenge you will find that tamasan yiti given structures must already exist gasan, wo hexane 2-methyl hexane, 3-methyl hexane, 2-3-dimethyl hexane, or 2-2-dimethyl butane, sorry hexane 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, 2-2-dimethyl butane, 2-3-dimethyl butane, 2-2-dimethyl butane. These are the possible isomers of hexane. These are the possible isomers of hexane. Are you baat samajh beta? Now moving to the isomers of. मैं और एक दिखाता हूँ, फिर आप बाकी वाले खुद करना. ये आसान बात है, सिर्फ समझना है कि ये structure माशू कुंजे आमद. ये तो एक तेरे पता ये तो एक पर ना आवाज़ दियो. शाबाश. अब क्या है, हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स कार्बन 7, कार्बन 7, तो पहले करते हैं वही स्ट्रक्चर, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, फिर हाइड्रोजन एडजस्ट करते हैं, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं विथ हाइड्रोजन एटम्स, अब ये बन गया इसमें कितने कार्बन है, 7, 7 को कहते हैं हेप्ट, A-N-E-N, यानी सिंगल बॉन्ड से ये बन गया हेप्टेन, हाइड्रोजन आप खुद डालना, ठीक है, ऐसे नहीं रखना, अब ए हो गया एक, दूसरा इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अब 6 रखेंगे स्ट्रेट चेन में, 2-3-4-5-6, एक को ब्रांच के सूरत में निकालते हैं, जैसे यहाँ बोलो क्या बन गया, अब यहाँ पे चेन आ गई 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5, यहाँ से जाएंगे 6, 1-2-3, तो 6 हाइस्ट चेन है, तो हम इन दो चेन्स में से कोई एक चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन नहीं, वो अगर नंबर दे ये पूरे रास्ते 5, ये पूरे दिमाग नंबर ये 1-2-3-4-5-6, अब इसका नाम दीजिए, 2 पे घर ब्रांच निकला है, क्या है 2, कौन सा ब्रांच निकला है, मिथाइल, अब चेन में कितने कार्बन हैं जिसको ब्रांच निकला है, 6, हेक्सेन,
टू मिथाइल हेक्सेन, क्लियर। थ्री, अब इसी मिथाइल को कार्बन नंबर टू पे लीजिए, शाबाश, 1 2 3 4 5 6। अब ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर निकालते हैं तो और एक स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे, यहाँ पे था टू मिथाइल हेक्सेन, अब क्या बनेगा ये 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से देते 1 2 3 4 आता, यहाँ से दिया 1 2 3 आया, इसलिए यही नंबरिंग ठीक है। इट इज़ 3 मिथाइल हेक्सेन, अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है, शाबाश। फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, वो बन का सर वह निमोनी किम जाए यथ कार्बनस पे, अत बन बे 1 2 3। अगर ये मिथाइल ग्रुप नमून कत कार्बन नंबर फोरस पे तुम बसान फोर, मगर पे नंबरिंग दिवो नंबरिंग दिन पे समाल स्टी ती उल्टा 1 2 3 बे 3 मिथाइल हेक्सेन। तो फिलहाल हो गया ये एक क्लियर। अब चैन में रखते हैं 5, अभी तक हम रख रहे थे 6, अब चैन में रखेंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स। गोथे आसो गोडिक लास्ट से कार्बन करना सैटिस्फाई हाइड्रोजन से, इमन हेकन ब्रांच नहीं रख के, अगर इन ब्रांच से ब्रांच नहीं रख के। हां, अब यहां पे एक मिथाइल, यहां पे एक मिथाइल, शाबाश, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग देनी है क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, मर्जी आपकी कहाँ से नंबरिंग देंगे, ठीक। लेकिन नंबरिंग कहाँ से देनी है, जहाँ से कार्बन को लवेस्ट नंबर आए, यहाँ से आता है 1 2 3, यहाँ से आता है 1 2, ठीक। तो ये है 1, पहले हाइड्रोजन बराबर करना, 2 3 4 5। अब बताओ नाम, 2 3, क्योंकि ब्रांच सेम निकले हैं। अब मैं आसान कर रहा हूँ क्योंकि रिपीट बार बार एक ही बात करना ठीक नहीं है, थोड़ा आपको समझना चाहिए यहाँ तक कि अब 2 पे भी ब्रांच है, 3 पे भी ब्रांच है, लेकिन ब्रांच भी सेम है। अगर ब्रांच अलग अलग होती है तो हम अलग लिखते हैं 2 पे क्या ब्रांच है, 3 पे क्या ब्रांच है, लेकिन चूंकि दोनों पे सेम ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, तो हम लिखते हैं 2 3, कितने मिथाइल निकले हैं, डाई मिथाइल। चैन क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन। या आप अगर वैसे लेंगे 2 3 मिथाइल पेंटेन, वो भी ठीक है, 2 3 मिथाइल पेंटेन भी ठीक है, या 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, हो गया ये। अब पांचवा ट्राई करते हैं, देखो कैसे, टू कोई कहेगा ऐसे कि इसे थो इतना नाम वह थो ये मन दोन पे मुझे बने बे थी नंबर लिखने ऐसे पढ़ दी, अगर ऐसे पढ़ दी वो ये बने 1 1 2 3 4 5, ये बने बे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, एक ब्रांच निकालते हैं इस कार्बन को, सिर्फ दिमाग लगाओ पनों, सब कुछ आसान हो जाता है। हाइड्रोजन आप खुद लगाना, देखना उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज C7H3 10 12 14 H16, ये हर जगह आएंगे, 3 4 5 6 9 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 3 14 3 14, ये बराबर आएंगे, आप ये काउंट करना। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गई है, क्या हो गया है, यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, एक है इस कार्बन और इस कार्बन को, अब नंबरिंग देनी है। नंबरिंग चाहे से यहाँ दे दो, यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से भी आएगा 1 2 3 4 5, 2 और 3, यहाँ से भी 2 और 3। अब एक सी बात है, कहाँ से देंगे, जब दूसरे साइड ही हुआ तो इससे पहले बारिश ही नहीं की। अब क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल और क्या है, 4 डैश मिथाइल। चेन क्या है, पेंटेन, और इसको लिख सकते हैं हम 2 4 डाई, कस मिथाइल से दराम डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। तो अब और कोई ब्रांच ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस थोक एक चेन में 5, वो करो एम निश बंद, शाबाश। अब थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक, थोड़ा चेंज करते हैं। अब कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम सिट्रेट रखते हैं, ठीक है, वो कस होते पर ये कस गए 5 6 7, शाबाश।
अगर कोई अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, देखो क्या आएगा, ये करो ये कैसे नारा ये स्ट्रेट चैन ये स्ट्रेट चैन ठंड ये स्ट्रेट 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गो नंबरिंग वही पे 1 2 3 4 5 ये बने ना बे 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन बने वो बे थी ये समझना है 2 3 डाइमिथाइल ये ऑलरेडी आ चुका है 2 2 डाइमिथाइल भी आया है कि नहीं आया मेरे को याद है कि कुछ कुछ आओ आप चेक करना वहाँ पे कौन है कौन रहता है और कौन नहीं रहता है शाबाश 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल पर बनाया है हाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं यार शाबाश 1 2 3 4 यहाँ से आता है 1 2 3 4 5 तो क्या आता है 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 सही है ना 6 1 2 3 4 5 6 7 7 आनी चाहिए हाँ 7 आ जाएगा ना आप देखिए यहाँ पर क्या करना है फिर वही बात होती है अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 2 मिथाइल वो ऐसा नहीं है तो सिलेक्ट करने लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 तो ये आ गया फिर 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है अब इस चेन में 2 ब्रांच हैं 2 पे और 3 पे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो ये भी नॉन ऑर्डर है ठीक है और एक ट्राई करते हैं आपको ट्राई करते रहना है फिर कंपेयर करना है जो पिछले हमने आइसोमर निकाले हैं उनके साथ कहीं मैच मत होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हाँ आ गए ना 7 अब बताइए ये मशकिन से ऑलरेडी जो रहा द्रामुद से इसके अंदर आओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है अब कौन से कार्बन पे ब्रांच निकला है कार्बन नंबर 3 अगर यहाँ से भी देंगे 1 2 3 यहाँ से भी 1 2 3 1 2 3 4 5 आई बात समझ अब देखो यहाँ पे क्या कौन सा ब्रांच निकला है इसको समझने की ज़रूरत है ये जो ब्रांच निकला है इसको आप अलग निकाला करिए समझने के लिए ऐसे ये ऐसे हैं है ऐसे ही आप देखना ऐसे ही है कि नहीं हाइड्रोजन लेकिन यहाँ से इसका हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ से ये कार्बन चेन के साथ है अब ये अगर हाइड्रोजन होता तो ये इथेन होता क्या होता इथेन लेकिन एक हाइड्रोजन जब कम है तो ये बनता है इथाइल क्या है इथाइल यानी अल्काइल ग्रुप अब कौन सा ब्रांच है इथाइल कौन से ब्रांच पे है ब्रांच नंबर कार्बन नंबर 3 तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज 3 इथाइल पेंटेन 3 इथाइल पेंटेन क्या है 3 इथाइल पेंटेन 3 इथाइल पेंटेन आई बात समझ जरा अगर इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं कोई और आइसोमर मत पॉसिबल है अगर 4 रखेंगे यहाँ पर इथाइल रखेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं फिर तो नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 फिर आता है वही 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन तो ये 3 इथाइल पेंटेन भी इसका आइसोमर है ठीक है और कोई पॉसिबिलिटी मत है ट्राई करने हैं और कुछ नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 कोई ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन फिर जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे वो आएगी ये वाली 1 2 3 4 5 तो ये आएगा 3 3 डाइमिथाइल ऑलरेडी निकाला है 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन तो दीज आर द पॉसिबल आइसोमर जो हमने लिखे हैं ऑफ दीज आर पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन इसी तरह आप कोशिश कीजिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है सिर्फ आपको चेक करना होता है कि जो आइसोमर हमने निकाला है अमुक मशा ऑलरेडी का आइसोमर करमुत सिर्फ ये कैसे क्लियर होगा जब आपको नंबरिंग देनी आएगी नंबरिंग सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन और इसको नंबरिंग देना ये एक फन है इसमें बाकी कोई मसला नहीं है
आपको पहले सात कार्बन चेन में रखने हैं, फिर छह रखने हैं, एक को ब्रांच निकालना है, फिर उस ब्रांच को अलग अलग पोजिशन पे लेना है, फिर देखना है कि ये पोजिशन सब प्रणय के नीचे नौ का पोजिशन बना तो फिर नाम देना है। अगर ये रिपीट गा बेसर तक नाव दिन नाव क्या लॉन्गेस्ट चेन क्या लॉन्गेस्ट चेन ऐसा स्ट्रेट सो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा हज चेन मीन चेन यानी वत मीन वत ठीक इस स्ट्रेट आत मे और यो पक कहें ये तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें पत नंबरिंग तेज दिन तपर तथा चेन ये तथा कार्बनस लकुट नंबर ये कार्बनस ब्रांच आज द्रमुत फिर आपके लिए ये कोई भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के जितने भी आइसोमर्स हैं वो निकालने आसान है। यू अगेन ट्राई फॉर द नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इफ़ यू स्टिल फाइंड दैट डिफिकल्ट इन बॉक्स मी आई विल इंशाल्लाह कम विद दैट आल्सो। खुदा हाफिज़। इसी तरह आप पढ़ते रहे। आई लव द स्टूडेंट्स हु लव देयर स्टडीज़ ठीक और उनके लिए I am always ready. I will give my 100% for those students who are interested in their studies. Whatever help I can do in the physics and the chemistry or any other subject where you need, where I can. तो मैं तैयार हूँ लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने स्टडीज के साथ लव करते हैं कि मुझे उन बच्चों के साथ लव होता है मुझे उन बच्चों के साथ एक मोहब्बत होती है जो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ मोहब्बत करते हैं। Hope you all are loving your studies and you are all loving, loveable to me. खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखे। खुदा हाफिज़।